राम राम किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेत में डीएपी यूरिया डाल डालकर अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं और पैदावार बढ़ाने के चक्कर में आपकी लागत भी बढ़ती जा रही है और इधर खेत की मिट्टी भी बेकार हो रही है और अनाज में भी जो है जहर बढ़ता जा रहा है, तो यह वीडियो आपको इन परेशानियों को धीरे धीरे ख़त्म कर सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको डीएपी यूरिया को बिल्कुल ख़त्म करने को या फिर बिल्कुल एक साथ हटाने को नहीं कहेंगे, क्योंकि खेत की मिट्टी को इनकी आदत पड़ गई है, आप इन्हें धीरे धीरे कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्टीज के ऑर्गेनिक यानी जैविक प्रोडक्ट्स की। वेस्टीज के जैविक प्रोडक्ट्स को काफ़ी किसान भाइयों द्वारा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें नंबर एक, पहली बार में ही डीएपी यूरिया जैसे फर्टिलाइजर को 25 से 30% कम करा दिया जाता है। फर्टिलाइजर्स कम कराने के बावजूद भी पैदावार में 5 से 20% का उत्पादन बढ़ जाता है। किसान के खेत की मिट्टी की हालत सुधरने की वजह से खेत की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और डीएपी यूरिया कम लगाने की वजह से लागत कम हो जाती है और किसानों के खेत में जो अनाज निकलता है उसमें भी जहर की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्टीज के दो बेसिक प्रोडक्ट्स की, जो किसान भाई डीएपी यूरिया जैसे खाद इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 10 बीघा ज़मीन में खेती करते हैं तो कम से कम 1 बीघा में वेस्टीज के इन दो बेसिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसमें पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज का एग्री 82, जिसके ऊपर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दूसरा है एग्री ह्यूमिक, जिसकी अब हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो में दी जा रही जानकारी में आपको दम लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके वो मिल जाए। वेस्टीज एग्री ह्यूमिक के बारे में हम नीचे लिखी लाइनों के ऊपर बात करेंगे। एग्री ह्यूमिक क्या है, यह कैसे तैयार किया जाता है, एग्री ह्यूमिक आपकी फसल और खेत की मिट्टी के लिए क्यों जरूरी है, वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक बाजार के बाकी ह्यूमिक एसिड से क्यों अलग है, एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करने के बाद किसान भाइयों को क्या क्या रिजल्ट मिले हैं, डीएपी यूरिया कम करके एग्री ह्यूमिक कैसे इस्तेमाल करना है, बीज उपचार जड़ उपचार में इसे कैसे इस्तेमाल करना है, सिंचाई के पानी में कैसे इस्तेमाल करना है, वेस्टीज एग्री ह्यूमिक का मूल्य, पैकिंग, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट आदि, और एग्री ह्यूमिक को एमआरपी से 15 से 20% छूट पर किस तरह खरीदा जा सकता है। पहली लाइन है एग्री ह्यूमिक क्या है और ये कैसे तैयार किया जाता है। एग्री ह्यूमिक ह्यूमिक पदार्थों से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, यह लिक्विड में होता है यानी तरल अवस्था में। ह्यूमिक पदार्थ ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिन, इन तीनों का मिश्रण होते हैं। मोटा मोटा बात करें तो जंगलों में आपने देखा होगा कि पेड़ों के पत्ते टूटकर नीचे गिर जाते हैं और जब वो सूखकर धीरे धीरे सड़ने गलने लगते हैं तो इन्हीं से ह्यूमस बनता है और इसी ह्यूमस से तैयार होता है ह्यूमिक एसिड। इस तरह यह पूरी तरह प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अगर आपने अभी तक अपने खेत में एक भी बार एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, और अगर आप किसी अन्य कंपनी का भी ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो भी वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। अगली लाइन है एग्री ह्यूमिक आपकी फसल और खेत की मिट्टी के लिए क्यों ज़रूरी है। एग्री ह्यूमिक आपकी मिट्टी और फसल के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह मिट्टी को मुलायम और भुरभुरा बनाता है, जिससे मिट्टी में हवा का आना जाना बढ़ जाता है और जड़ों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, और साथ ही साथ मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी ज़्यादा समय तक पानी रोकने की जो क्षमता है वह भी बढ़ जाती है। एग्री ह्यूमिक से पत्तों में हरापन बढ़ता है। अगर आपकी फसल पत्तों वाली है तो यह पत्तियों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्री ह्यूमिक से पौधों का वनस्पतिक विकास होता है, जिससे पौधों की लंबाई चौड़ाई और आकार, पत्तियों का साइज और अनाज की मोटाई भी बढ़ती है, और अनाज फल सब्जियां ज़्यादा दिनों तक ठीक रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। एग्री ह्यूमिक पौधों की जड़ों का विकास करता है और पौधे को विषम परिस्थितियां जैसे ज़्यादा बारिश पड़ गई, ज़्यादा कोहरा, ज़्यादा धूप आदि, इन सब में खड़े रहने में सहायता करता है और तनाव से बचाए रखता है। अगली लाइन है वेस्टीज एग्री ह्यूमिक मार्केट के बाकी ह्यूमिक एसिड से क्यों अलग है। कुछ किसान भाइयों को जब वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक के बारे में बताया गया तो उन्होंने बोला कि वह पहले से ही ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स वेस्टीज के एग्री ह्यूमिक से सस्ता है और उसमें 70% 80% ह्यूमिक एसिड है, जबकि वेस्टीज के एग्री ह्यूमिक में केवल 6% ही ह्यूमिक एसिड है। लेकिन जब किसानों को इसकी पूरी डिटेल बताई गई तो उन्होंने केवल 10% खेत में ही इसका इस्तेमाल किया और बाकी में अपना वो पहले वाले ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल किया। तो जब रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि वेस्टीज के एग्री ह्यूमिक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है,
यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट की कमी या फिर उसके मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, यह गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर आप वेस्टीज के एग्री ह्यूमिक में ह्यूमिक एसिड केवल 6% है लेकिन फिर भी इसका असर ज़्यादा है, तो एक बार तो आपको वेस्टीज के एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करके ज़रूर देखना चाहिए। अगली लाइन है, वेस्टीज एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करने के बाद किसान भाइयों को क्या क्या रिजल्ट मिले हैं। कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखा दिए जा रहे हैं, बाकी आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप गेहूँ के दाने में कंपेरिजन कर सकते हैं गेहूँ की मोटाई। अगली लाइन है, DAP यूरिया कम करके आप एग्री ह्यूमिक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप DAP यूरिया में एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले उस फर्टिलाइजर की मात्रा को 25-30% कम करना है। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए अगर आपके यहाँ 1 एकड़ का खेत है यानी 43,560 square feet और आपको 100 किलो DAP यूरिया डालना है उसमें, तो वहाँ पर आपको 100 किलो की जगह केवल 75 किलो फर्टिलाइज़र ही लेना है और उसमें 250 ml एग्री ह्यूमिक मिलाना है और दूसरा बेसिक प्रोडक्ट जो कि एग्री 82 है उसे 150 ml मिलाना है। इन सब को मिलाकर खेत में डाल सकते हैं। अगर मैं आपको इस तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में DAP यूरिया के ऊपर एक वीडियो है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। अगली लाइन है, वेस्टीज एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार और जड़ उपचार किस तरह करना है। वेस्टीज एग्री ह्यूमिक से जड़ और बीज उपचार करने से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, जड़ें लंबी होती हैं जिससे पौधा मजबूती से खड़ा रह पाता है और लंबी जड़ों के कारण पौधा मिट्टी से खनिज लवण ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाता है। बीज उपचार से लगभग प्रत्येक बीज का अंकुरण होता है, पौधा तेजी से विकास करता है और स्वस्थ रहता है। बीज उपचार में 5 ml एग्री ह्यूमिक को प्रति 1 किलो बीज में मिलाकर उसे छाया में सुखाकर खेत में बो सकते हैं। अगर बीज मोटा है तो 10 ml प्रति 1 किलो बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आलू, अदरक आदि। जड़ उपचार में आपको 5 ml एग्री ह्यूमिक 1 लीटर पानी में मिलाना है और फिर इस घोल में पौधे के जड़ वाले हिस्से को 10-15 मिनट के लिए डुबो देना है और फिर इस पौध को निकाल कर आप खेत में लगा सकते हैं। बीज या जड़ उपचार में एग्री 82 का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगली लाइन है, सिंचाई के पानी में वेस्टीज एग्री ह्यूमिक को किस तरह इस्तेमाल करना है। सिंचाई के पानी के साथ वेस्टीज एग्री ह्यूमिक 250 ml और वेस्टीज एग्री 82 160 ml प्रति 1 एकड़ ज़मीन के लिए है और इस घोल को आप तैयार करके बोतल में भर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली लाइन है, वेस्टीज एग्री ह्यूमिक का मूल्य, पैकिंग, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्टीज एग्री ह्यूमिक को फल में, कपास, फूल, सब्जियाँ आदि किसी भी फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैकिंग की बात करें तो ये 500 ml की पैकिंग आती है, मूल्य 595 रुपये और नीचे लिखा हुआ है कि बेस्ट बिफोर 60 मंथ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से 5 साल तक जो है ये ख़राब नहीं होगी, उसके बाद इसकी फिर क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होनी शुरू होगी। नीचे बार कोड की बात करें तो शुरुआत में लिखा हुआ है 890, इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप जो पैसा खर्च करेंगे उसके रुपए भारत में ही रहेंगे। अगली लाइन है, वेस्टीज एग्री ह्यूमिक को MRP से 15-20% छूट पर किस तरह खरीदा जा सकता है। अगर आप वेस्टीज एग्री ह्यूमिक की खरीद पर 15-20% छूट चाहते हैं तो WhatsApp के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपको वेस्टीज की शॉप का पता और जो भी ऑफर चल रहे हैं उन सभी की जानकारी मिल जाएगी। यहीं पर हम वीडियो का अंत करते हैं और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें। धन्यवाद।